हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिमलेश। वेलकम टू माय ट्यूब चैनल बिजनेस ऑटोमेशन वेब सीट। इस वीडियो में हम दो चीज सीखने वाले हैं। पहला, फिल्टर व्यू कैसे क्रिएट करते हैं विद मल्टीपल सिलेक्शन, और दूसरा, उसे एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एक अटेंडेंस ऐप है जिसका मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ आप देखेंगे मैंने रिपोर्ट क्रिएट किया है, ठीक है? ये आप यहाँ पे आप देखेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं जिस भी एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करूंगा, जिन जिन एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे, जैसे मैंने क्लिक किया ये किया, तो इसका अटेंडेंस का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसका कोई भी अटेंडेंस का डिटेल नहीं, इसलिए कुछ नहीं आ रहा। अभी मैं किसी और को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये हो गया, तो पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब कब से कब तक का चाहिए वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर मुझे और किसी एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए, अब अगर मुझे और किसी एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए, मैं उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, तो उसका भी आ जाएगा, ठीक है? अब डेट कब से कब तक का चाहिए वो यहां सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद सिंपल से क्या है, यहां पे आप देखोगे सीएसवी, सीएसवी का ऑप्शन आ रहा है, यहां से आप एक्सपोर्ट करेंगे और ये जाके एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से डेटा तैयार कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। तो वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरा एक दूसरा ऐप है यार, अटेंडेंस टेम्पलेट, ठीक है? अब इसी में मुझे बनाना है, तो मैं जाऊंगा अटेंडेंस में, यहाँ पे गया डेटा सोर्स में, सबसे पहले मुझे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, फिल्टर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, फ्रॉम एंड टू, जो भी कंडीशन आपको जितनी देने हो आपको यहाँ पे लिख लेना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे ऐप सीट में इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से क्या टेबल गूगल सीट, और यहाँ हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब ये मैंने कर दिया, मैंने इसे फिल्टर वर्टिकल ऐड कर लिया। अब इसका हम स्कीमा चेक कर लेते हैं क्या है। आईडी ठीक है, टेक्स्ट में रहेगा, एम्प्लॉय नेम ठीक है, ये रहेगा डेट में, और ये भी रहेगा डेट में। इसके बाद कर देंगे सेव। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एम्प्लॉय पे ड्रॉप डाउन लगा लेते हैं, यहाँ जाएंगे हम करेंगे इनम, डेटा टाइप रहेगा इनम, इनम लिस्ट, ताकि हम मल्टीपल एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सके। और यहाँ पर रखेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे लगाएंगे डेटा वैलिडिटी में ड्रॉप डाउन, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय वाला टेबल से मैंने ड्रॉप डाउन लगा लिया, ये मेरा एम्प्लॉय वाला टेबल, यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। चाहिए क्या मुझे, नेम, एम्प्लॉय का नाम, ऐसे कर दिया ट्रू, ठीक है। अब ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा मेरे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक स्लाइस क्रिएट करेंगे अटेंडेंस के, अटेंडेंस सीट के लिए। स्लाइस पे गए, न्यू स्लाइस, अब यहाँ करेंगे अटेंडेंस स्लाइस, कुछ भी लिख देंगे अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है, यहाँ क्या करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट फंक्शन लगाया, सेलेक्ट किस टेबल से मुझे फिल्टर लगाना है, टेबल का नाम, टेबल का नाम है फिल्टर, जब मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे फिल्टर। अब ये आईडी लेंगे, ताकि ये आईडी यूनिक वो होनी चाहिए, फिल होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने आईडी कुछ भी डाल दिया, 1 2 3 डाल दिया, ठीक है। तो ये आईडी इज नॉट ब्लैंक हो तभी वो फिल्टर करे, तो मैंने ले लिया आईडी, सॉरी आईडी, ठीक है, कॉमा, अब मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करना है, मल्टीपल सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट, ठीक है, टेबल का नाम, मुझे कौन सा डेटा स्प्लिट करवाना है, क्या स्प्लिट करवाना है, नेम, और यहाँ से लगाना है कॉमा। अब ये वाला जो डेटा है ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है,
ये स्प्लिट हो जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर एक फॉर्मूला और लगेगा, कॉन्टेन, कॉन्टेन। अब इसमें क्या हो, इस डेटा में जो भी मेरा नाम मैच करे, मतलब ये वाला जो मैं फिल्टर करूंगा अटेंडेंस वाले टेबल में जो मैच करे, तो वो डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाए। तो यहाँ पे लगाएंगे दिस रो डॉट नेम, अटेंडेंस वाले टेबल से नेम लगाया, ये हो गया, एक कंडीशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है डेट, कब से कब तक का डेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे दिस रो मतलब अटेंडेंस वाला टेबल डॉट टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फ्रॉम, मतलब इस डेट से आगे का। तो यहाँ पे फ्रॉम कर दिया, फ्रॉम कॉमा, एक कंडीशन और है दिस रो कॉमा टाइम स्टैम्प, अब लेस देन एंड इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक हो, टू तक, तो हमने टू लगा देना है। और यहाँ पे अब अगर ये कंडीशन मैच हो तो यहाँ पे क्या करा है, एक हाँ सॉरी, यहाँ पे एक लगेगा एंड, क्योंकि तीन कंडीशन हो गई यहाँ पे, तो एक एंड लगेगा, फिर इसको कर देना है सेव। हाँ ठीक है, अब ये आ गया, ये कंडीशन सही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंडीशन तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, द एक्सप्रेशन इज वैलिड बट रिजल्ट टाइप इन लिस्ट, तो हमें इसको क्या चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए यस ट्रू या फॉल्स में। तो अगर ये वैल्यू मैच करती है, यहाँ पे मैच करेगी तो कोई ना कोई वैल्यू पिक करेगा, तो यानी कि वैल्यू पिक करेगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, इसके इज नॉट रियल एन केस, अगर इज नॉट ब्लैंक हो तो ऑटोमेटिकली वो ट्रू होगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इज नॉट ब्लैंक, तो ये हमारा कंडीशन मैच कर गया। तो इसके बाद कर देना आपको सेव, कर दिया सेव। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक यूएक्स क्रिएट करेंगे यहाँ से, अटेंडेंस TTT अटेंडेंस स्लाइस करके मैंने रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, आपकी पता रहे इसलिए मैंने आ रही है कर दिया। इसके बाद जो मैंने अभी बुलाया था स्लाइस, वो सिलेक्ट कर लेना यहाँ से, ठीक है। और इसका मैं टेबल भी रखता हूँ, और इसके बाद यहाँ जाएंगे, अब टेबल को जैसे रखना है, जिस ऑर्डर में रखना है इसको रखना, वहाँ से हटा सकते हैं, लोकेशन मुझे नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, टेंशन में करता हूँ, डेट चाहिए, डेट नहीं चाहिए, एम्प्लॉई आईडी चाहिए, इन आउट टाइम ये नहीं चाहिए, डिस्टिंग आउट स्टेटस नहीं चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आप यहाँ से कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। लोकेशन यहाँ पर चाहिए, उसके बाद कर देना सेव। अब हमें एक और यूएक्स क्रिएट करना पड़ेगा फिल्टर के लिए, जिससे डेटा को फिल्टर कराना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर दिए फिल्टर, और यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर वाला टेबल सेव करेंगे ये वाला, और इसको आपको रखना है डिटेल व्यू में, ठीक है, ये वाला व्यू। और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे नीचे, इसका कॉलम ऑर्डर कर लेते हैं, मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, आईडी हटा देते हैं, बाकी सारा रहेगा। और इसको आपको रखना है एडिट मोड में, क्विक एडिट कॉलम, यहाँ से कर लेंगे, सारे कॉलम को आप ऐड कर लेंगे। अब ये देखेंगे आप यहाँ पे एडिटेबल आ गया ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक व्यू और आपको क्रिएट करना है, हाँ न्यू क्रिएट, अब इससे आप रखना है टेस्ट अटेंडेंस, खुद भी रख देंगे अपना, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड, अब डैशबोर्ड में मुझे क्या रखना है, पहले मैं फिल्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें दो कॉलम ऐड कर दिया, अटेंडेंस रिपोर्ट रेफरेंस, अभी आप देखेंगे दो कॉलम मेरे ऐड हो गए, उसमें दो टेबल एक ही व्यू में आ गए। अब इसके बाद मैं कर देता हूँ इसे सेव, और ये जो है इसको मैं रेफरेंस में डाल देता हूँ, ताकि ये ऐप में नहीं ना सुने, यहाँ पे शो हो रहा है ना अटेंडेंस रिपोर्ट अटेंडेंस फिल्टर, इसको मैंने कर दिया रेफरेंस में, अंदर चला गया ये, और इसको भी कर देता हूँ रेफरेंस में,
अब इसके बाद क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि फिल्टर वाला टेबल कोई ना उसमें कोई डाटा ऐड कर सके ना डिलीट कर सके, सिर्फ अपडेट कर सके बस, ठीक है। और ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला एडिट का ऑप्शन, इसको भी मुझे नहीं दिखाना। तो यहाँ पे जाऊँगा बिहेवियर में, बिहेवियर में जाके फिल्टर आपको दिखेगा और इसको आपको ऐड कर देंगे। और इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे जो मैंने भी स्लाइस क्रिएट किए, स्लाइस में जाके यहाँ पे भी इसे डिलीट को हटा देंगे, ऐड का हटा देंगे, अपडेट कर देंगे। अब इसे मैं बड़ा करता हूँ यहाँ से, देखो क्या होता है। पहले तो मैं लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी से, सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल और आ गया है, अटेंडेंस रिपोर्ट। अब यहाँ पे जिस भी एम्प्लॉय का डेटा आपको फिल्टर करना है, यहाँ पे उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया विमलेश, कब से कब तक का डेटा चाहिए, ये आपका विमलेश का, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर मुझे किसी और एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो उसका भी नाम यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा, जिसका नहीं है इसमें नहीं है, और किसी को सेलेक्ट करता हूँ, अनुज को कर लिया। अब देखो अनुज का भी आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सारा डेटा आ जाएगा सर, तो आपको यहाँ पे सभी का एक साथ ही सेलेक्ट कर लेना है, तो आप सबका डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट कर लेना है, और ये एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो उससे आप किसी भी तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।